जी दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे चैनल आशीष आयुर्वेदिक सेंटर पर। दोस्तों कुछ कुछ भाइयों के मैसेजेस आ रहे थे, आज उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो सबसे पहले एक भाई का जो कमेंट था कि तुसिया किसे बोलते हैं। भाई साहब आपने जो मैसेज किया है, तुसिया का मतलब होता है कि किसी भी जो भी हमने कोई तेल बनाया है या कोई चीज को हम तुसिया जब बोलते हैं उसका मतलब होता है कि खरल के अंदर उस चीज के जो भी चीज बोला जाता है। मान लीजिए आपने गंधक के तेल के साथ उसको तस्तिया देना है तो जो भी आइटम आपने उसके अंदर डाली है उसमें थोड़ा सा गंधक का तेल डाले, उसको खरल करें, उसके बाद उसको बालू यंत्र पे रखें कम से कम 5-7 मिनट तक, ताकि जो तेल है वो खुश्क हो जाए, सूख जाए, चाहे वो 2 मिनट में सूख जाए, चाहे वो 5। चीज को सुखाना मगर ज्यादा हीट पे नहीं, बिल्कुल नम आंच पर, बिल्कुल मध्यम आंच पर उसको सुखाया जाता है, तो उसको बोलते हैं तुसिया देना। एक भाई का कमेंट था कि शिंगरफ में से पारा कैसे निकालते हैं। आज जो मैं अमल आपको शिंगरफ में से पारा निकालने का बता रहा हूँ वो अमल है जिस तरीके से हम अपने जो क्लिनिक पर अपने मतलब पर शिंगरफ में से जो पारा निकालते हैं इसी तरीके से निकालते हैं। क्योंकि जब आप शिंगरफ में से पारा निकालते हैं तो कम से कम ये 8 संस्कारिक पारा माना जाता है। तो आपने क्या करना है कि एक शिंगरफ ले लेनी है, जितने भी जैसे हम 100 ग्राम या 250 ग्राम जितना भी आप शिंगरफ लेना चाहते हैं, चाहे 10 ग्राम लेना चाहते हैं, तो उसको पहले पीस लें, पाउडर कर लें, ऐसे भी निकल जाएगा। आप डली लेके उसके ऊपर कपड़ा लपेटेंगे तो भी निकल जाएगा, मगर वो थोड़ी बहुत ही छोटे पीसेज बच जाते हैं बाद में वे, फिर वो उसको आपको दोबारा वो ही अमल करना पड़ेगा दोबारा जब आप शिंगरफ से निकालेंगे पारा। तो आपने क्या करना है कि शिंगरफ को पाउडर कर लें, पीस लें। अब सूती कपड़ा बाजार से लें या फिर अपने घर पे जो सूती कपड़े होते हैं जो सफ़ेद कलर के, घर में जो हम रजाई वगैरह सर्दी में ओढ़ते हैं तो उसके ऊपर जो पुराने ग्लाफ बोलते हैं जो ऊपर का कवर होता है उसका सफ़ेद, उसके छोटे छोटे इतने हाथ हाथ जितने लंबे पीसेस कर लें। एक पीस के ऊपर आप शिंगरफ को अच्छे तरीके से उसको बिछा दें, उसके बाद एक तरीके से उसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो उसके गोल 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 वो मोमबत्ती जैसा उसकी राड तैयार हो जाएगी। आप उसको फिर दोबारा दूसरे तरीके से घुमाना शुरू करें, जैसे जैसे उसको घुमाएंगे घुमाते 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 उसकी जो बॉल नुमा बन जाएगी, जैसे जलेबी होती है ना इस तरीके से, जलेबी तो चौरस में होती है वो कट्ठी सी हो जाएगी। बस आपका ये अमल एक पूरा हो गया। अब इसको क्या करना है कि इसके ऊपर दोबारा आपको कम से कम, अगर आप 100 ग्राम शिंगरफ लेते हैं तो आपको 200 ग्राम सूती कपड़ा इसके ऊपर एक एक तय करके लपेटते जाना है, छोटी 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 कातरें उसकी काट लें लंबी 200 ग्राम कपड़े की, फिर उसके ऊपर लपेटते जाएं। अब उसके ऊपर थोड़ा सा सूत, जैसे कि मान के चलिए को अच्छे तरीके से उसकी बॉल जो सूत के साथ बांध दें उसको, उससे पहले आपको क्या करना है कि एक स्टील की बड़ी सी प्लेट ले लें, जो प्लेट इतनी बड़ी हो कि कम से कम आपका जो ऊपर वाला पात्र है उसके अंदर आ जाए और साइडों पे से भी वो खाली रहे। अब एक प्लेट लेके उसके अंदर आपको 3 पत्थर चाहिए, एक पत्थर थोड़ा बड़ा और 2 छोटे छोटे। अब आपने क्या करना है कि एक मटका लेना है जिसमें कम से कम 5 से 10 लीटर पानी आता है, उस मटके के अंदर अंदर की तरफ उसके पूरे पेंदे, अंदर का जो पेंदा है, साइडों की दीवारें हैं, उसको अच्छे तरीके से एलोवेरा की जेल के साथ लिपाई कर दे, यानी कि एलोवेरा का पत्ता एक तरफ से काटे, उसके अंदर अच्छे तरीके से उसको पोचा लगा दे, और जब वो सूख जाए तो दोबारा फिर उसके अंदर पोचा लगाए। इसका मैं वीडियो के एंड के बताऊंगा कि इसका फायदा क्या होता है। अब आपने क्या करना है कि उस शिंगरफ का जो आपने गोला बनाया है उसको एक प्लेट में रखना है और दोनों तरफ उसके छोटे छोटे पत्थर रखने हैं, और एक तरफ पे बड़ा पत्थर रख देना है और दूसरी तरफ से जिस तरीके तरफ से बड़ा पत्थर रखा है उस तरफ आपने वो चाटी का जो मुंह है उसका जो चाटी का जो जो मुंह होता है उसको पहले एक साइड से ऊंचाई करना है, मान के चलोगे इस तरीके से, एक साइड थोड़ी ऊंची रहेगी दूसरी साइड थोड़ी छोटी नीचे को रहेगी, ताकि अंदर से उसके ऑक्सीजन मिलती रहे, जब उसको आप आग लगाएंगे तो वो जो गोला है उसकी आग बुझनी नहीं चाहिए, अगर उसको आप प्रॉपर से बंद कर देंगे तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जलेगा नहीं। तो आपने क्या करना है, एक तरीके से एक साइड से ऊंचा साइड से नीवा, आप समझ गए होंगे कि एक साइड ऊंची होनी चाहिए एक साइड नीचे को होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है कि इसको जो आपने वो गोला रखा है इसके ऊपर एक दहता हुआ कोयला रख दे, नहीं तो इसके ऊपर मिट्टी का तेल जब पेट्रोल छिड़क के साइड से माचिस की तीली लगा दे, बस ये एकदम से भड़के वाली आग जलेगी, और जितना भी ये धीरे 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 3-4 घंटे, हम तो क्या करते हैं कि रात को रख के सो जाते हैं, सुबह जब उठते हैं तो ये सारा मवाद जो जल चुका होता है
उसके अंदर थोड़ा थोड़ा वो पोला पोला सा कॉटन का जैसे धुआं सा जमा होता है प्लेट के ऊपर, वो कॉटन का कपड़ा जल के बिल्कुल राख हो चुका होता है। हमारी जो शिंगरप है जितनी भी, वो जल के उसका जो पारा है ऊपर की चाटी के अंदर जाके चिपक जाता है, जैसे लगता है जैसे सारा काला काला धुआं इसके अंदर है। मगर जब हम उसको जो पेंट वाला ब्रश होता है उसके साथ उसको अंदर से चाटी के अंदर जो हमने वो ली है बड़े वाला मटका उसके अंदर जैसे धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं, तो सारा जो धुआं जो पारा है धुएं के रूप में सब इकट्ठा हो जाता है। एक भी कण इसमें कम नहीं होता। जितना भी आपकी शिंगरफ के अंदर पारा है ये प्रॉपर आपको मिल जाता है। जितना बोलते हैं कि 9 मासे पारा होता है, तो 9 मासे 1 तोले के हिसाब से आपको प्रॉपर मिलता है। तो इस तरीके से पारा भी अच्छे से निकलता है और इसके 8 संस्कार भी पूरे हो जाते हैं। जितने इसके दोष होते हैं, चप्पल दोष है, कोई लेड मिक्स है, या कुछ भी है शिंगरम बनाते समय, वो सारा नीचे बैठ जाता है, रुक जाता है, और जो पारा है वो एकदम सुंदर और स्वच्छ साफ पारा जो है वो ऊपर मटके के अंदर चिपक जाता है। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है। अनाड़ी से अनाड़ी भी बंदा इस तरीके से शिंगरप से पारा निकाल सकता है और अपना आगे जो उसका काम है, अगर वो मेडिसिन में यूज करना चाहता है, जहाँ पर कीमिया में यूज करना चाहता है, तो इसको यूज कर सकता है। तो एक इसको आगे एक बंदे का साथ था कि तूतिया की भस्म कोई बनाने का आसान तरीका बताएं, तो उसकी आगे वीडियो में बनाऊंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिर ज्यादा लंबा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मगर ये जो शिंगरफ में से पारा निकालने की विधि है बिल्कुल आसान है। आगे मैं वीडियो में एक तूतिया की भस्म, बाघ करंट जो बहुत ही अक्सीरी भस्म बनती है, गुरु भस्म भी बोल सकते हैं उसको, उसकी एक और वीडियो लेके आऊंगा। वो जो मेरी बुक में, मेरी किताब में, वो हस्तलिखित डायरी में लिखी हुई है, वो भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। अगर कोई पूछना है या फिर आप कुछ आपके मन के अंदर कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जब भी टाइम मिलेगा उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल आशीष आयुर्वेदिक सेंटर के साथ।